नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। डीआरएम चक्रधरपुर विजय कुमार साहू ने सोमवार को फिट इंडिया रन के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। वहीं आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज का मंत्र देते हुए अपने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों संग सिरसा स्टेडियम से दौड़ शुरू करते हुए रेलवे कॉलोनी का एक चक्कर लगाकर 5 किलोमीटर की दौड़ को संपन्न किया। इस दौरान डीआरएम विजय साहू ने कहा कि हम देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं रेलवे पिछले सप्ताह 75वां सप्ताह से स्वस्थ रहने के लिए एक आंदोलन की तरह कार्यक्रम को चलाकर फिट रहने के लिए आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज का लोगों को मंत्र दे रहा है। पिछले साल हमने फिट इंडिया 4.1 शुरू किया था, इस साल 2 के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई जा रही है। बच्चों, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग अपनी जो 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएंगे, इस बार राधा 75वीं थी, अगली बार 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस बार 74 वर्ष हम लोगों ने पूरे किए हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में 75 हफ्ते हम लोग अमृत महोत्सव का आंदोलन चला रहे हैं। एक तरीके से बहुत सारी कार्यक्रम समय समय पर आयोजित कर रहे हैं और ये फ्रीडम रन, फ्रीडम फिट इंडिया रन 2.0, ये भी उसी के उपलक्ष्य में है जो हमारे अपने फिटनेस और जागरूकता फैलाने के लिए है। जैसा सभी हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ माइंड में, एक स्वस्थ बॉडी में ही एक स्वस्थ माइंड हो सकता है, और अगर हम फिट होंगे तो हम अपने जीवन के सारे ध्येय, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। इसी धारणा को लेकर हम इस आयोजन को कर रहे हैं। सभी का इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांड्रासाली ओपी के पांड्रासाली गांव में शनिवार की रात में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद पुलिस की टीम उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पांड्रासाली निवासी 50 वर्षीय रामलाल पूर्ति शनिवार की रात को अपने ढाबा में सोए हुए थे। रात करीब 11:30 बजे दरवाजे के ग्रिल से उन्हें गोली मार दी गई। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 साल से रामलाल का जमीन का विवाद अनाचक्कर पूर्ति से चल रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने अनाचक्कर पूर्ति और उसके पुत्र विवेक पूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। अनाचक्कर पूर्ति भूतपूर्व सैनिक है। बताया जा रहा है कि पूर्व में हुई किसी हत्या के बारे में मृतक कुछ जानता था और रविवार को पुलिस को बताने वाला था, संभवतः इसलिए भी उसकी हत्या कर दी गई। चैंबासा के SDPO दिलीप खलखो ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ की गई। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कैसे डेथ हुआ है? उनका कोई गोली मार करके उनका हत्या कर दिया है। कब हुआ है घटना? यही करीब 11 से 12 के बीच में। रात में? रात में? हाँ, रात में। अच्छा, तो किसी पे शक है? शक तो है, लेकिन थोड़ा सा उसको यहाँ उसके बाद मैंने पुलिस को बताए हैं। हाँ, पुलिस को बताए हैं और वो खुद अपने जुबान से भी किसी का नाम बोले थे। तो गोली लगने के बाद तुरंत डेथ हो गया था क्या? तुरंत डेथ नहीं हुआ था, यहाँ आके डेथ हुआ था उनका, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में आके उस बीच में वो ओपी वाला सभी लेके आया था उनका, तो उनसे पूछे कि कौन है इसके पीछे टाइप से, तो वो थोड़ा बहुत नाम हम बोले थे। कैसे घटनाक्रम हुआ, कहाँ गए थे? घर में? नहीं, घर ही में सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे उसी टाइम कोई मतलब दरवाज़ा से ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा को तोड़ करके, या फिर जो टीना का लगा हुआ है ना उसको ऐसे ये करके, वहीं से वो ऐसे करके सो रहे थे पेट के बल पर, तो उसी में कोई उनको ऐसे गोली। बंगाल के चुनाव में खेला होबे का नारा देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दी। अब
इसी चुनावी नारे को अन्य राज्यों में पैठ मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कुल 7 राज्यों में आज खेला होबे आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चैम्बासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सरकार शामिल हुए। खेल का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह तोड़ने का काम कर रही है। ममता बनर्जी खेल के माध्यम से सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। जाति, मजहब और धर्म को छोड़कर लोग एक साथ रहें, यही हमारी कोशिश है। जहीं भी जाइए सब तोड़ता है, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से तोड़ते हैं। और दीदी को है खेल के माध्यम से सबको जोड़ने के लिए, और दीदी सबको खेल के माध्यम से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आप खेलेंगे तो खेलने से कहा हो तो आपको मन अच्छा रहता है और तन अच्छा रहता है और दोस्ती भी होता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से दीदी ने तय किया है। और 3 कारण हैं, आपको मालूम है 1905 में लॉर्ड कार्जन ने 16 अगस्त के दिन में बंगाल तोड़ने का एक प्रयास किया था। दूसरा 1980 में बंगाल में ईडन गार्डन में मोहन बगान ईस्ट बंगाल मैच के तहत 16 आदमी को जान गई थी। तीसरा आपको मालूम है 1990 में ममता बनर्जी ऊपर के 16 अगस्त में जानलेवा हमला हुए थे। तो दीदी सब कुछ छोड़ के स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श में कोशिश दीदी कर रहे हैं, ये खेल के माध्यम से तन मन सब ठीक रहे, दोस्ती बरकरार रहे और सबको जाति धर्म मजहब छोड़ के सबको एक साथ में जोड़ पाए, इसके लिए दीदी कोशिश जारी किए हैं, इसी के लिए खेल दिवस है। झारखंड तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी ने कहा कि ममता दीदी के खेला होबे के नारा के साथ भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब हम पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह भाजपा के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। और ये खेला होबे ये ममता दी का चुनावी घोषणा था कि बीजेपी सरकार को परास्त करने के लिए एक हम लोगों ने आयोजन किया था खेला होबे, जो आज हम लोग ने जीता। और वही खेला होबे जीतने के बाद आज हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में ये आयोजन कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि हम लोग खेला होबे के माध्यम से बीजेपी को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं कि आज बीजेपी जो अराजकता से केंद्र में नीति अपना रही है, उस अराजकता नीति को दमन, उस दमन नीति को हम लोग उजागर करना चाह रहे हैं। इस खेला होबे के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये खेला होबे के माध्यम से आप लोग जागो और देखो बीजेपी सरकार की नीति। और आज जन जन का चाहत यही है ममता दी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज टोंटो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व विधायक पुत्कर हेमब्रम, जवाहरलाल बांद्रा, भाजपा के जिला महामंत्री प्रताप कटियार और चंद्रमोहन तियो सहित अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। पुत्कर हेमब्रम ने कहा कि अटल जी हर चुनौती से दो दो हाथ करने को हमेशा तैयार रहते थे। अपनी विचारधारा और कार्यशैली के कारण ही आज वह भारतीय राजनीति के गगन में अटल ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। पूर्व विधायक जवाहरलाल बांद्रा और जिला मंत्री प्रताप कटियार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और आज हम जिस महाभाव का पुण्यतिथि मना रहे हैं वो हमारे इस तत्कालिक पीढ़ी और तत्काल जो समय चल रहा है उस वीर गाथा को याद दिलाता है। कुड़ुक पुस्तकालय में स्वतंत्रता दिवस और स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उरांव समाज के अध्यक्ष संचू तिर्की, सचिव अनिल लकड़ा और सलाहकार बाबूलाल बरहा द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरण्य मित्तल की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया।
इसमें चैबासा और चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 8 अगस्त से 31 अक्टूबर 2021 तक अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 मानते हुए तैयार मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। बूथ लेवल पदाधिकारी द्वारा घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 1 नवंबर 2021 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 मानते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 का संचालन होगा। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला के नए मतदाताओं की खोज और त्रुटि निराकरण के लिए 20 एवं 21 सितंबर और 27 एवं 28 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच की जिला इकाई और यूथ इकाई की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया। यूथ नगर कमेटी के नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद अखलाक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अंजुमन इस्लामिया के सदर अख्तर रुमानी ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया के संयुक्त सचिव इकबाल अहमद, मुस्लिम विकास मंच यूथ केंद्रीय संगठन के मंत्री इरशाद अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।